हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरचे एजुकेशन हब बांसुर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी कंटिन्यू यूनिट 3rd है कार्बोनिल कंपाउंड्स देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। और इन दिस पार्ट वी टुडे स्टडी नेक्स्ट टाइप रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बिकॉज देयर विल बी मेनी नेम रिएक्शंस। यहां पर कई नेम रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स, उन नेम रिएक्शंस को अपने को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले इसमें देखेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, हर साल एक सवाल रिडक्शन या रिडक्शन में से आपको मिलेगा। देखिए रिडक्शन में क्लेमेंसन रिडक्शन होता क्या, क्लेमेंसन रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसका एडिशन करना है, H2 का एडिशन करना है, दैट मींस रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को तो रिमूव करना है और ऐड किसको करना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है। ये क्या कहलाता है, रिडक्शन पार्ट कहलाता है। देखो क्लेमेंसन रिडक्शन है किसका करना है, कार्बोनाइल कंपाउंड का। इट मे बी एल्डिहाइड, इट मे बी कीटोन, दैट मींस R इक्वल टू मे बी H, R इक्वल टू मे बी CH3 ग्रुप यूज कर सकते हैं। इसी बेस पे कार्बोनिल कंपाउंडों का रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी हाइड्रोजन का एडिशन। इसकी प्रेजेंस में अगर आपको एरो के ऊपर दिया हुआ है जिंक HG अमलगम, जिंक HG अमलगम अगर आपको दिया हुआ है जिंक HG का, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HCl मीडियम, अगर कंसंट्रेट HCl मीडियम में जिंक HG अमलगम आपको दिया गया है तो बनने वाला कंपाउंड में ऑक्सीजन को तो हटाना है, हाइड्रोजन जोड़ना है, H2 एल्केन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एल्केन। दैट मींस कार्बोनाइल कंपाउंडों का अगर अपन रिडक्शन कराते हैं तो क्या मिल जाता है आपको, एल्केन मिल जाती है। और अगर इसके अंदर जिंक HG कंसंट्रेट HCl यूज कर रखा है तो कौन सा कहलाएगा, ये क्लेमेंसन रिडक्शन कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो एरो का अगर आपको ये दिख जाता है एरो के ऊपर जिंक HG अमलगम दिख जाता है, ये कौन सा कहलाएगा, क्लेमेंसन अपचेन कहलाएगा। इसमें आपने देखा स्टूडेंट ऑक्सीजन को मैंने हटाया है और क्या जोड़ा है यहाँ पर, हाइड्रोजन। यही तो अपन ने किया, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट थोड़ी ना किया कुछ, यही क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ओके, ये तो था क्लेमेंसन रिडक्शन। सेम इसी के जैसा दूसरा है वो अपने को देखना है, कौन से वाला है, क्लेमेंसन रिडक्शन के बाद सेकेंड है बी, वो है वोल्फ किस्नर। साइंटिस्ट का नाम है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ओके, इंपॉर्टेंट है। देखिए वोल्फ किस्नर रिडक्शन सेम वही है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप आर और आर। ओके, कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, हाइड्रोजन। यहां प्रेजेंस देखनी किसकी, किसको यूज करते हैं, एक तो स्टूडेंट यहां पर यूज करते हैं हाइड्रोजन। क्या होती है, हाइड्रोजन NH2 यानी N2H4, ये हाइड्रोजन है। दूसरा इसमें यूज करते हैं वो होता है C2H5ONa, सोडियम एथॉक्साइड। किसको यूज करते हैं, सोडियम एथॉक्साइड को इसमें यूज किया जाता है। और ये जो होते हैं इनकी रिएक्शन से क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, यानी वही हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, CH2 एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, एल्केन का, यानी ऑक्सीजन को हटाना है और क्या जोड़ना है, H2 जोड़ना है, एल्केन बन गई अपने पास में। तो सेम वही प्रोसेस रहा जो अपन ने पहले बनाया था, जैसे मैंने यहाँ पर यूज कर लिया CH3 और यहाँ पर लिख दिया सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर लिख दिया CH3। कीटोन है क्या, एसीटोन। एसीटोन का मैंने रिडक्शन कराया किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन और सेकेंड वाला ये, तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा ये CH2 और ये वाला हो गया CH3 और ये क्या हो गया CH3। ये क्या है, प्रोपेन। इसका फॉर्मेशन हो गया, प्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया। तो आप इससे क्या बना सकते हो, आप मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, ये सभी किससे बना सकते हैं अपन, क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ किस्नर रिडक्शन से अपन बना सकते हैं। इसी रिडक्शन का इसमें जो एल्केन्स है वो प्रोटीन और ब्यूटेन तक ही अपने को एराइज होती है, इसके बाद प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया और मॉडिफिकेशन करने के बाद इसको न्यू नेम दिया गया। वो न्यू नेम क्या है, वोल्फ किस्नर रिडक्शंस का हुइंग मिलांग ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है, हुइंग मिलांग ट्रांसफॉर्मेशन। दो साइंटिस्ट हैं, हुइंग मिलांग,
दोनों ने मिलाकर के ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, किसका मोल, किसका रिडक्शन का। क्या किया उन्होंने, सेम यही प्रोसेस था स्टूडेंट्स, यहां पर उन्होंने हल्का सा चेंज कर दिया, सोडियम एथॉक्साइड की जगह की प्लेस पर उन्होंने दूसरा रिएजेंट यूज कर लिया जिसका नाम था ग्लाइकोल। किसको यूज कर लिया, सॉल्यूशन ग्लाइकोल इन बेसिक मीडियम यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। बस ग्लाइकोल का फॉर्मूला अगर अपन बात करें तो ये होता है एथिलीन डाई अल्कोहल, ये रहा CH2CH2OH, इसके दो मोल यूज कर लिए, ये कहलाता है डाई ग्लाइकोल। क्या हो गया, एथिलीन डाई अल्कोहल का डेरिवेटिव है, ये तो कहलाता है ग्लाइकोल, कितने मोल यूज कर रहे हैं, दो मोल, ये कहलाएगा डाई ग्लाइकोल, दैट मींस एथिलीन, एथिलीन डाई अल्कोहल था, एथिलीन डाई अल्कोहल का अपन यूज करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मीडियम के अंदर हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो वो क्या कहलाता है, वोल किसनर रिडक्शन का होइंग मिलान ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इससे क्या होगा, इससे हायर एल्केन बनेगी, क्या बनेगी, इससे हायर एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है, वो भी जस्ट लाइक रिडक्शन है। और चेंज कहां पर आ गए, ये यहां पर एजेंट यूज करते हैं जबकि वहां पर क्या था, सोडियम एथॉक्साइड। बस इतना सा चेंज होने के बाद वोल किसनर किसमें कन्वर्ट हो गया, होइंग मिलान ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर लग गया, ये इसके अंदर चेंज है। ओके, ये तो थी रिडक्शन रिएक्शन, किसकी, कार्बोनाइल कंपाउंडों की रिडक्शन रिएक्शंस। ओके, कार्बोनाइल कंपाउंडों का रिडक्शन कराने पर क्या बनेगा वो अपन ने यहां पर देखा है। दो टाइप की तीन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट यहां से, एक तो कौन सी, क्लेमेंसन रिडक्शन इंपॉर्टेंट है, दूसरा वॉल के अंदर रिडक्शन और उसका होइंग मिलान ट्रांसफॉर्मेशन, वो अपने पास में यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो अपन इसके अंदर स्टडी कर चुके हैं। ओके, तो नेक्स्ट में अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है किसकी, कार्बोनाइल कंपाउंडों की जो रिएक्शन है वो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। ओके, दैट इज थर्ड टाइप रिएक्शन, दैट इज इट्स कंप्लीट।